वेलकम बैक टू माय चैनल सो कैसे हो आप सब आज हम बात करने वाले हैं यार आपने आजकल बहुत देखा होगा कि हम स्प्लिट एसी सी की जगह कैसेट एसी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं घरों के अंदर भी कमर्शियल स्पेसिस के अंदर भी तो उसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है एंड वी ऑल नो ए एक प्रैक्टिकल थिंग है जो हमारे घर में हमको चाहिए लेकिन उसको हम कैसे ब्यूटिफाई कर सकते हैं अपनी फॉल सीलिंग के साथ तो आज हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो होने वाले बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड नाउ लाइट स्टार्ट विद द वीडियो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसेट ए होता क्या है कैसेट एसी सेम होता है स्प्लिट एसी की तरह ही लाइक like, इसके भी आउटडोर यूनिट्स होती है और इंडोर यूनिट्स होती हैं सिर्फ डिफरेंस क्या है इसको हम लोग सीलिंग पे इंस्टॉल कराते हैं इसको बहुत सारे ब्रांड्स बना रहे हैं डैकिन हो गया एल हो गया सैमसंग हो गया वॉल्टास हो गया आपको बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल मिलेगा एंड इसको हम लोग घर में भी यूज कर सकते हैं उन एरियाज पे जहां पे हमारे पास ना वॉल्स पे स्पेस नहीं है लाइक विंडो आया हुआ है या फिर कोई फर्नीचर टाइप आई हुई है वॉकड्रॉप्स आई हुई है या फिर हमने कोई वॉल ट्रीटमेंट दिया हुआ है एंड सेकेंडली जैसे कि हमारा लिविंग और डाइनिंग स्पेस हो गया जहाँ बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पे हम नहीं चाहते कि हमारे इंटीरियर के अंदर दो ए सी हैं जो इंटीरियर के लोग कहीं ना कहीं ख़राब करें उस केस में भी हम लोग कैसेट ए को इंस्टॉल करा सकते हैं एंड आप उसको कमर्शल स्पेसिस भी यूज़ कर सकते हो शॉप्स हो गई आपके मॉल्स हो गए हॉस्पिटल्स हो, हो गए स्कूल्स हो गए तो जहां पे आपको बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है एंड आपको लगता है कि यार हमें दो से तीन ए नहीं लगाने उस केस में आप कैसेट एसी को इंस्टॉल करा सकते हो एंड कैसेट एसी भी बहुत सारे टर्न में आता है एक टर्न डेढ़ टर्न दो टन तीन टन तो ये वेरी करता है कि आपका रूम का साइज कितना है अगर आपका रूम हंड्रेड स्क्वायर फीट के अंडर अंडर है तो आप एक टन का यूज़ कर सकते हो अगर वन एटी के आसपास है तो आप वन पॉइंट फाइव टन का यूज़ कर सकते हो एंड अगर दो सौ से ऊपर का है तो आप इजली दो टन का ए यूज़ कर सकते हो एंड अगर तीन सौ से भी ऊपर का एरिया है आपके घर का तो आप थ्री टन का ए सी यूज़ कर सकते हो वो काफ़ी अच्छी कूलिंग देगा इसको कैसेट ए सी की एडवांटेज क्या है कि ये आपको ना इवन कूलिंग देता है आपके पूरे रूम को एक तरह की से कूल करता है एक साथ कूल करता है एंड लुक दिखने में काफ़ी एलिगेंट लुक देता है एंड इसका जो नॉइज़ का जैसे कि जो नॉर्मल ए सी में बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं जो कंप्रेसर की आवाज़ होती है तो इस केस में आपको वो आवाज़ भी नहीं सुनाई देती एंड नेक्स्ट इसकी ये अनर्जी एफिशेंसी भी है इट मीन फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया है आपने वहां दो ए सी लगा ए सी तो उनका बिल भी साथ दो एसी है। साथ साथ आएगा बिकॉज दो है है एंड जो स्प्लिट एसी ना वो रूम को कूल करने में बहुत टाइम लेते हैं एज कम्पेयर टू कैसेट कैसे अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैसेट की तो तीन टाइप की एसी अवेलेबल तो है वन वे टू वे एंड फोर वे जो वन वे होता है उसका साइज होता है तीन फिट बाय अठारह uh, इंच के आसपास का एंड डेप्थ में डेप्थ होती है नौ इंच की एंड uh, जो टू वे होता है वो होता है हमारा uh, तीन फिट बाय दो फिट का एंड इसकी डेप्थ होती है बारह इंची एंड जो एंग आई जो मेरा फोर वे ए है ना वो तीन साइज़ में आता है एट फोर्टी बाई एट फोर्टी नाइन फिफ्टी बाय नाइन फिफ्टी एंड सेवन सॉरी फाइव सेवेंटी बाय फाइव सेवेंटी तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि जो भी आपके रूम का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ए का साइज चूज़ करना बिकॉज ऐसा कई बार मैंने देखा है कि छोटा रूम है एंड आपने काफ़ी बड़ा ए सी लगाया हुआ है तो जो फालतू में जो आपका बिल है वो इंक्रीज़ होगा इसलिए जितना भी रूम का साइज़ है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कितना टन का ए सी कितने प्रेफर रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ए का साइज़ भी चूज़ करना ताकि जो बिल है वो थोड़ा आप सेव कर पाओ होता तो है डेप्थ होती है इसकी बारह इंच की एंड जो ये बारह इंच की डेप्थ है ये डेप्थ है ए की इसके साथ साथ हमें सारे ही ए पे दो इंची के आसपास एक्स्ट्रा भी चाहिए होता है जो हमारे बोर्ड कनेक्शन होता है उसके लिए एंड एक और चीज इसकी डिसएडवांटेज क्या है डेप्थ बहुत ज़्यादा है किसी भी घर की अगर सीलिंग की हाइट 9 फिट है तो उस केस में हाइट 8 फिट हो जाती है तो ये उन्हीं घर के लिए प्रेफरेबल है जहाँ पे आपके पास काफी अच्छी सीलिंग हाइट हो एंड इसकी एक और डिसएडवांटेज है कि ये इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ट्रिकी है बिकॉज जैसे कि नॉर्मल ए होता है कि ठीक है आपने चले निकाली साफ किया इसको भी आप सेल्फ मेंटेन कर सकते हो लेकिन इट्स डिफिकल्ट ना कि आपको सीलिंग तक जाके उसकी चले निकालनी है फिर इसको री इंस्टॉल करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है इसको मेंटेन करने में एंड रिपेयर थोड़ी सी कॉस्टली है एंड इंस्टॉलेशन भी कॉस्टली है एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है स्टार्टिंग प्राइस होती है फिफ्टी थाउजेंड के आसपास एंड एक लाख तक भी चला जाता है एक और चीज वी आर वी एंड कैसेट ए दो अलग अलग टर्म है दोनों ही सेम टर्म नहीं है वी एक अलग प्रोसीजर है उसमें क्या होता है उसमें हम सारे ए सी लाइक अगर मेरे बेडरूम में स्प्लिट ए है मेरे लिविंग uh, एरिया में कैसेट ए है तो उन सबको हम कनेक्ट करते हैं सेम डग से तो उसको हम बोलते हैं वी आर वी एंड कैसेट ए एक अलग टर्म है तो मैंने अक्सर देखा कि बहुत सारे क्लाइंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों शायद सेम है वी आर वी एंड कैसेट ए बट दोनों अलग अलग चीजें हैं एंड गाइस एक और चीज कभी भी ना कैसेट एसी को आपको वॉल के अगेंस्ट नहीं लगाना बिकॉज अगर फोर वे भी है चारों साइड पे वेंट है तो हमेशा वो सेंटर में होना चाहिए एंड अगर टू वे है तो भी वो थोड़ा सा वॉल से छः सात इंच आगे होना चाहिए ताकि जो वेंट है वो सीधा वॉल पे ना पड़े एंड थर्ड जो अगर हमारा वन वे ए है तो उसको आप वॉल के पास लगा सकते हो जो आपका वेंट है वो रूम की साइड पे होना चाहिए एंड एक और चीज कैसेट एसी सबसे अच्छी एडवांटेजेस है कि इसका जो वेंट का एंगल है वो हमारे

कभी भी ना एसी आपके सर के ऊपर नहीं होना चाहिए इट मीन्स कि अगर बेडरूम में यूज करें तो बेड के ऊपर नहीं होना चाहिए अगर लिविंग और डाइनिंग में यूज़ करें तो आपके सोफे के ऊपर नहीं होना चाहिए बिकॉज जो उसकी सेल्फ डेप्थ है वो खुद की डेप्थ ना नौ से दस इंच है तो जो हमें फिनिश्ड सीलिंग मिलेगी वो एटलीस्ट मिलेगी छः से पंद्रह इंच डाउन तो वो बहुत डाउन है एंड साइकोलॉजी भी बहुत ही ज्यादा आएगा एंड प्रैक्टिकली देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा एंड अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ तो सो लिविंग एंड डाइनिंग में यू कैन गो विद फोर वे ए सी वो बेटर रहता है बिकॉज बहुत बहुत बड़ा स्पेस है आपको चारों साइड से वेंट मिलेंगे काफी अच्छी कूलिंग होगी सबसे पहले ना अपना लिविंग का डायमेंशन देखो क्या रूम का साइज कितना है सपोज आपका रूम है 30 फिट बाय 16 फिट का तो मुझे ना तो लिविंग के लिए ना मुझे 10 से 12 फिट बहुत है लंबाई में तो मेरे पास है 16 फीट में मेरे पास काफी अच्छा एरिया है तो मैं अपना जो पैसेज है वो मैं निकाल सकती हूँ हॉरिजॉन्टल तो हम अब वर्टिकल स्पेस यूज करके हम हॉरिजॉन्टल पैसेज निकाल सकते हैं वो बहुत अच्छा तरीका है आप वहां पे इसे दे सकते हो ताकि इसे आपके सर के ऊपर ना आए एंड सेकेंडली अगर आपका रूम का साइज है तीस फिट बाय बारह फिट अब बारह फिट एक नॉर्मल साइज है तो आप इस केस केस में ना आप हॉरिजॉन्टल स्पेस यूज करके आप एक वर्टिकल पैसेज बीच में डाल सकते हो जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल के अंदर किया है हम तो ये एग्जाम्पल देखते हैं इसमें हमने क्या किया है जो मेरा लिविंग और डाइनिंग का स्पेस था हमने सेंटर में पैसेज निकाल दिया, वहाँ पे अपना एसी दे दिया एंड उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉल्सिंग डिजाइन करी अब जो मेरा पैसे, जो मेरा सीलिंग का डाउन लेवल है जहां पे मेरा एसी लगा हुआ है वो है पंद्रह इंची तो यार मैं हमेशा कोशिश करती कि मेरे जहां पे मेरा फैन है ना वहां लेवल बहुत कम से कम होना चाहिए लाइक सिर्फ चार से पांच इंच डाउन होना चाहिए ताकि फैन बहुत नीचे ना आ जाए तो उसका सबसे अच्छा तरीका कि आप ना लेवल्स में प्ले करो जैसे हमने यहाँ पे किया है बीच वाला लेवल है चौदह इंच का उसके बाद ना हम लेवल को डाउन करते रहे हमने स्टेप्स बना फिर सिंपल कोव दे के एक लेवल बिल्कुल डाउन कर दिया सात इंच का फिर छः फिर पांच फिर चार ताकि ना वो जो लेवल है वो बहुत ही कम धीरे धीरे कम हो रहा है तो लुक भी अच्छी आएगी एंड जो आपका फैन वाला पॉइंट है वहां पे वो सॉल्व भी कर रहा है कि फैन के ऊपर ना बहुत ज्यादा हाइट नहीं है प्राइस डिज़ाइन तो ना कितने भी बन सकते हैं बस आपको दो फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं कि लेवल्स में प्ले करना है एंड सेकेंडली कि जो आपका एसी है वह ना वो आपके पैसेज में है अब ये अपना बेडरूम देखो तो इसमें हमने क्या किया जो मेरा बेड है वो छः फिट का होता है मेरा रूम है मेरा बारह फिट का तो मैंने क्या किया बेड के जो मेरा टी था उसके आगे हमने चार फिट का पैसेज निकाल दिया एंड वहाँ पर सीलिंग को डिवाइड कर दिया तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपको सिंपली सीलिंग डिवाइड करनी ही पड़ेगी जब आपको ए लगाना है सीलिंग के अंदर तो वो बेस्ट तरीका का होता है एंड जो लेवल्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो आप ये वाला बेडरूम देखो इसमें हमने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया है मेरा जो ए है वो पैसेज के अंदर भी आया हुआ है एंड जो लेवल से हमने वो मेन्टेन भी कर लिए एंड कई बार जो डेप्थ आपको नजर भी आती है ना तो उसमें आप प्रोफाइल लाइट दे दो या कुछ और दे दो मेटल की ट्रिम दे दो ताकि वो एक पार्ट लगे डिजाइन का एंड काफी अच्छा लुक भी दे तो so, हमने क्या किया इस रूम के अंदर कि फैन का लेवल दिया तीन इंची देन छह इंची का पट्टा घुमा दिया देन एक पट्टा घुमाया नौ इंची का तो ऑटोमेटिकली जहां मेरा कैसे ए सी है पंद्रह इंच दाऊ तो वहां मुझे लेवल मिल गया नौ इंची तो सिर्फ छह इंची विजिबल हो रहा है तो वहाँ पर हमने लगा दी प्रोफाइल डिजाइन भी हो गया एंड हाइट भी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है And सबसे अच्छा तरीका है ना कि हमेशा डाउन लेवल पे ना या तो वुड का पार्ट काम दे दो तो वो देखने में भी अच्छा लगता है एंड जो आपकी सीलिंग है वो आपकी ए सी के साथ मर्ज भी हो जाती है गाइज आई रिकमेंड कि आप लिविंग डाइनिंग में फोर वे यूज़ करो एंड बेडरूम में यू कैन यूज टू वे एंड वन वे एंड किचन के अंदर भी आप वन वे यूज़ करो लाइक like आप अपने घर के अंदर ना कहीं पे भी ए सी यूज़ कर सकते हो कैसे ए सी बस डिपेंड कि आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए एंड जो ए सी का साइज है वो आपकी रूम के साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए दैट्स इट दैट्स ऑल फॉर द वीडियो आई होप डू लाइक इट इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड गाइज में बहुत सारे जो uh, डिजाइन है वो डाल रही हूं एट द एंड ताकि आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो जाए थैंक यू गाइज